हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज मी शाइनी एंड वेलकम बैक टू हैशटैग ईद स्पेशल सीरीज, जहां मैं आप लोगों के साथ स्पेशल ईद के लिए रमजान के महीने में हर रोज वीडियो शेयर करती हूं. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं सेटन बाय जीएचसी का ग्लो स्किन सीरम का डिटेल रिव्यू. इस स्किन सीरम को टीनेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, इसे इस्तेमाल करने के क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे, कब इस्तेमाल करना है एंड ऑल द डिटेल्स. सो इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब my channel. So let's get started. सो ये जो ग्लो स्किन सीरम है ना, इसका एक ड्रॉपर फॉर्म में आता है ये. सो द पैकेजिंग इज रियली कन्वीनियंट फॉर ट्रैवलिंग ऑल्सो, फॉर यूज ऑल्सो, क्योंकि ड्रॉपर फॉर्म काफी हाइजेनिक रहता है. प्रोडक्ट वेस्टेज भी कम होता है क्योंकि आप इसे डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं. अब बात करते हैं इसे किस तरह से आपको अप्लाई करना है अपने फेस पर. आपको इसे एक ड्रॉप डालना है अपने फोरहेड पर, अपने चिन पर एंड अपने चीक पर, और फिर इन तीनों ड्रॉप्स को आपको अच्छे से मसाज करना है अपने स्किन पर. अब थोड़ा सा डैब कीजिए ताकि प्रोडक्ट आपके स्किन पर यू नो पुश हो पाए. इस तरह से प्रोडक्ट जो इजीली पेनिट्रेट हो जाता है आपके स्किन के अंदर. सो उसके बाद आपको इसे अच्छे से मसाज करना है अपने फिंगर टिप से लाइट हैंडेडली एंड फिर आप देखेंगे ग्लो. सो चलिए अब देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ. कब आपको इस्तेमाल करना है, आप दिन में दो बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले. अगर आप सुबह इस्तेमाल करते हैं तो फेस को अच्छे से फेस वॉश से वॉश कर लीजिए. वॉश करने के बाद ही इस सीरम को अप्लाई करें. इनफैक्ट किसी भी सीरम को अप्लाई करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना जरूरी है, क्योंकि अगर इम्प्योरिटीज रहती है आपके स्किन में तो स्किन सीरम उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और स्किन पर ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम आप फेस करोगे. तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि रिव्यू में तो अच्छा बता रहा था लेकिन इस्तेमाल करने के बाद रिकॉर्ड्स वगैरह क्यों आने लगे. आपका जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो गलत भी हो सकता है. इसीलिए हमेशा कोई भी स्किन सीरम को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन कीजिए ताकि कोई भी इम्प्योरिटी आपकी स्किन पर ना रहे. इम्प्योरिटीज के साथ सीरम अच्छी तरीके से रिएक्ट कर जाता है, विच इज वाई स्किन पर ब्रेकआउट्स भी हो सकती है. सो आपके फिंगर्स भी अच्छे एंड क्लीन होने चाहिए बिफोर अप्लाइंग अ सीरम. सीरम इस्तेमाल करने के बाद आप कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो उसके ऊपर आप कोई मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं. मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है बट ये जो ग्लो सीरम है ना, ये इतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, इसके बाद मुझे कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, स्पेशली ड्यूरिंग डे टाइम. और ये तो अभी समर सीजन है. रात को सोने से पहले अगेन सेम रूटीन आपको फॉलो करना है. फेस को अच्छे से फेस वॉश से या फिर कोई भी माइल्ड क्लेंजर से क्लीन कीजिए एंड देन आप इस सीरम को अप्लाई कीजिए. ये इंस्टेंटली पेनिट्रेट कर जाता है आपके स्किन के अंदर और काफी अच्छा एक ग्लो प्रोवाइड करता है. उसके बाद आप चाहते हैं तो कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं या फिर अगर आपकी ऑयली स्किन है या आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप मॉइस्चराइजिंग जो स्टेप है उसे स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज दिस सीरम इज इट्सेल्फ वेरी हाइड्रेटिंग. और उसके बाद सो जाइए एंड सुबह जब आप उठेंगे योर स्किन विल बी सुपर सॉफ्ट, सुपर ग्लोई एंड सुपर ड्यूवी. अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में. इसके अंदर विटामिन सी है जो कि स्किन लाइटनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, जो डार्क स्पॉट्स को मिनिमाइज करता है और हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करता है. इसके अंदर है नायसिनामाइड जो कि हमारे स्किन से हाइपर पिगमेंटेशन को अगेन रिड्यूस करने में काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है. स्किन को काफ़ी अच्छी तरीके से लाइटन करता है. मुल्तानी मिट्टी है. मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, स्किन को क्लियर करता है, पोर्स को क्लीन करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ग्लोइंग एंड ड्यूवी स्किन. पोर्स क्लीन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो मुल्तानी मिट्टी पोर्स को क्लीन करने में हेल्प करता है. कोको बटर है जिसमें हाई कंसेंट्रेशन में फैटी एसिड्स होने की वजह से स्किन को सॉफ्ट, प्लम्प एंड काफी हाइड्रेटिंग रखता है.
टर्मरिक एक्सट्रैक्ट भी है जिसके एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स है, उसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो स्किन को क्लीन रखता है और स्किन को एक हल्का सा ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है, रेडियंस प्रोवाइड करता है। वी ऑल नो द गुडनेस ऑफ टर्मरिक। सो ये जो एक स्किन सीरम है ना, ये एक ऑल इन वन प्रोडक्ट है। इसे इस्तेमाल करने के बाद डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट है वो एक हफ्ते में तो नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। सो यू शुड गो फॉर दिस सीरम। मैन वुमन टीनेजर सभी से इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आई थिंक इट विल बी परफेक्ट फॉर ड्राई स्किन पीपल स्पेशली, क्योंकि हमेशा मैं ये नोटिस करती हूँ कि ड्राई स्किन में वो ग्लो नहीं रहता है। जितना भी मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कर लो, वो जो अंदर से जो ग्लो है ना, वो आपको एक सीरम ही दे पाएगा, क्योंकि सीरम आपके पोर्स के अंदर तक डीप लेयर्स तक पेनिट्रेट कर पाता है एंड दिस सीरम इज सो लाइट वेट येट सो मच इफेक्टिव। सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस सीरम। मुझे पर्सनली इसे इस्तेमाल करके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड मैं डेली बेसिस पर इस सीरम को ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ एंड दिस हैज़ बिकम माई बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग दिस समर सीजन। सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इसके परचेजिंग लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज के लिए टाइम स्टे ब्लेस्ड स्टे हैप्पी बाय। इम्प्यूरिटीज के साथ सीरम्स ज्यादा अच्छा